क्या दोस्तों, आप भी अपने स्मार्टफोन को सुपर फास्ट करना चाहते हो तो आपको जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी बहुत सारी ट्रिक मतलब टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने स्मार्टफोन को सुपर फास्ट कर सकते हो। अगर आपका स्मार्टफोन स्लो चल रहा है तो आप जो है कई गुना अपने स्मार्टफोन को तेजी से चला सकते हो। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहना। आज जो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे अपने स्मार्टफोन को आप जो है फास्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर वन, तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई भी स्मार्टफोन अगर पुराना स्मार्टफोन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि कंपनी जो है नए नए अपडेट्स लाती रहती है और नए नए अपडेट्स लाती रहती है। तो यहाँ पर जो आपके पास एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है एक अपडेट का, तो वो नोटिफिकेशन कुछ लोगों से मिस हो जाता है और कुछ लोगों को पता चल जाता है कि हमारे स्मार्टफोन का कोई नया अपडेट आ चुका है। तो कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पर जो हमें अपने स्मार्टफोन को अपडेट करना होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आई है तो या आपने मिस कर दिया, तो आपको जो सेटिंग में जाने के बाद अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हो आपका जो है फ़ोन का अपडेट आया है या नहीं आया। तो आपका अगर अपडेट आ गया है तो आपको जो है अपने स्मार्टफोन को जो अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद आपको जो है वहाँ पर बहुत सारे नए नए फीचर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर जो आपका स्मार्टफोन जो है यहाँ पर काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगर आपके आपने अपना स्मार्टफोन अपडेट नहीं किया है तो आप जो अभी जाकर जो अपने स्मार्टफोन को अपडेट करें और आपका जो स्मार्टफोन फास्ट हो जाएगा। टिप्स नंबर टू, तो गाइस कई बार क्या होता है कि हम जो है कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जो कई कुछ टाइम से यानी कि काफ़ी टाइम से हम जो है उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐप्स को, और वहाँ पर जो आपकी स्टोरेज जो है वहाँ पर भरी रहती है उन ऐप से। तो आपको जो क्या करना है, उन ऐप्स को बिल्कुल जी अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर देना है। और इससे क्या होगा कि आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज तो खाली होगी होगी और आपका जो स्मार्टफोन जो काफ़ी फास्ट चलने लगेगा। जो अगर आपकी पुरानी ऐप्स हैं उनको डिलीट करने के बाद आपका जो स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। टिप्स नंबर थ्री, तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे स्मार्टफोन में अगर कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसके जो है फालतू के फोल्डर्स बन जाते हैं और कुछ फाइल्स बन जाती है फालतू की, तो उनको क्या है आपको जो अभी जो है जस्ट एकदम डिलीट कर देना है, जिससे आपका जो स्मार्टफोन जो है एकदम स्मूथ तरीके से या फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको फालतू फोल्डर्स और फालतू फाइल्स को जो डिलीट करना कंपलसरी है, इससे आपका जो स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। टिप्स नंबर फोर, तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे स्मार्टफोन में 32 GB स्टोरेज है या 64 GB स्टोरेज है और आपको जो 32 GB से ऊपर की स्टोरेज का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आपको जो इनसे ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है तो आपको जो क्या करना होगा, अपने स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको क्या होगा कि अगर कभी भी आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है तो आपके जो स्मार्टफोन में जो है स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी ना हो। तो इससे जो आपके स्मार्टफोन में जो मेमोरी कार्ड है वो जो ऑटोमेटिकली उसको स्टोर कर लेगा, जिससे आपका जो स्मार्टफोन जो है काफ़ी फास्ट चलने लगेगा। तो ये तो टिप्स नंबर फोर जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए अगर आपका जो स्मार्टफोन में स्टोरेज कम है। टिप्स नंबर फाइव, जो कि लास्ट टिप्स है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी हम जो अपने स्मार्टफोन में जो लॉन्चर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं लॉन्चर्स को, और लॉन्चर्स जो हमारे स्मार्टफोन में जो बहुत ज़्यादा लैग करता है, किसी स्मार्टफोन में जो वो मतलब यानी कि सपोर्ट नहीं कर पाता है, कुछ स्मार्टफोन में सपोर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, लॉन्चर्स जो हमारे जो स्मार्टफोन में अगर कोई भी हम लॉन्चर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे स्मार्टफोन में जो बहुत ज़्यादा बहुत अलग अलग तरीके के जो वहाँ पर फोल्डर बन जाते हैं हमारे स्टोरेज में, तो वहाँ पर जो स्टोरेज जो हमारी यानी कि उसमें वायरस आ जाता है हमारे स्टोरेज में, और इससे जो हमारा स्मार्टफोन जो है बहुत ही स्लो चलने लग जाता है। अगर हमारे स्मार्टफोन में कोई भी एनीवन लॉन्चर डाउनलोड हो जाता है या इंस्टॉल हम कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा स्लो चलने लग जाता है। यही पाँच टिप्स थी आपको। इन पाँचों टिप्स में से अगर आप कोई इन पांचों टिप्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।